नमस्कार, मैं हूं रहित राकेश टंडन। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है कि छूट बढ़ने के साथ ही तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट का पसरता जाल अब डरा रहा है, जिसने दुनिया में अब तक हाहाकार मचा रखी है। तीसरी लहर का ट्रेलर है डेल्टा प्लस, दिखा रहा है टेरर, दुनिया में मचा है हाहाकार, भारत में भी कर रहा है प्रहार। जी हां, एक तरफ दूसरी लहर से हम निकल रहे हैं, तीसरी लहर की बात हो रही है और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सबके होश उड़ा रखे हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2 से 3 मौतें भी हुई हैं देश भर में और अब सरकार लगातार और साइंटिस्ट लगातार पता करने में लगे हैं, लगातार जीनोम सिक्वेंसिंग हो रही है कि आखिर डेल्टा प्लस वेरियंट कहां तक चलेगा, क्या जो देश है वो डेल्टा प्लस के ही द्वारा थर्ड वेव की तरफ खींचेगा। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन में हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेव 3 और वेव 2 कैसे जा रही है। अब आपको देशों के बारे में बताते हैं, इन देशों में सबसे पहले पहुंचा कोरोना, इन देशों में सबसे पहले पहुंचाना है कोरोना, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका में 16 जनवरी 2020 को पहुंचा था, स्पेन में 12 जनवरी 2020 को, थाईलैंड की बात करें तो 7 जनवरी 2020 को पहुंचा था, दक्षिण कोरिया में 14 जनवरी 2020 को और जापान में 3 जनवरी 2020। यानी ये वो देश हम आपको दिखा रहे हैं कब कब कहां कहां कोरोना की एंट्री हुई। अब आपको वेरिएंट्स के बारे में बताते हैं, ये है वेरिएंट्स क्या है, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न क्या है। अल्फा सबसे पहले कहां मिला, ये यूनाइटेड किंगडम में मिला था सितंबर 2020 में। अल्फा वीओसी घोषित करने की तारीख क्या थी, 18 दिसंबर 2020। अब आप बात करिए बीटा की, जी हां ये दूसरा वेरिएंट है। सबसे पहले कहां मिला, सबसे पहले मिला ये दक्षिण अफ्रीका में और कब मिला था, मई 2020 में, घोषित करने की तारीख थी 18 दिसंबर 2020। अब आइए तीसरे वेरिएंट पर, तीसरा वेरिएंट कौन सा है, तीसरा वेरिएंट है गामा। सबसे पहले कहां मिला, ब्राजील में मिला और नवंबर 2020 में मिला और घोषित करने की तारीख जो थी वो 11 जनवरी 2021 थी। चौथा वेरिएंट डेल्टा सबसे खतरनाक, सबसे पहले कहां मिला, भारत में मिला, कब मिला, अक्टूबर 2020 में मिला और घोषित करने की तारीख जो थी वो 11 मई 2021। यानी आप कोविड के जो 4 वेरिएंट है वो कहां कब मिले, घोषित कब हुए, ये हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जी हां, एपिलोन क्या है, B.1.427 सबसे पहले कहां मिला, अमेरिका मिला, कब मिला, अब मार्च 2020 में, घोषित करने की तारीख 5 मार्च 2021। जीटा की बात करिए, P.2 है, सबसे पहले कहां मिला, ब्राजील में मिला अप्रैल 2020 में, घोषित करने की तारीख क्या है, घोषित करने की तारीख है 17 मार्च 2021। ईटा की बात करिए, B.1.525 सबसे पहले कहां मिला था, ये मिला था कई देशों में मिला, लेकिन घोषणा इस मिला और दिसंबर 2020 मिला और घोषित करने की तारीख जो थी वो 17 मार्च 2021 थी। थीटा P.3 इसका नाम है, सबसे पहले मिला फिलीपींस में और जनवरी 2021 में, घोषित किया गया यानी वीआई जो थी वो 24 मार्च 2021। आईटीओ B.1.526 सबसे पहले ये कहां मिला, अमेरिका में मिला था नवंबर 2020 में, घोषित करने की तारीख क्या थी 24 मार्च 2021। कप्पा वेरियंट B.1.617.1 सबसे पहले कहां मिला, भारत में मिला था अक्टूबर 2020 में, घोषित करने की तारीख क्या थी 4 अप्रैल 2021। लेम्बडा C.37 इसका नाम दिया गया है, सबसे पहले यह मिला था पेरू में अगस्त 2020 में और घोषित किया गया था 14 जून 2021 में। यह जानना इसलिए जरूरी है कि वेरिएंट कब आया था, उस पर अब तक क्या काम हुआ है, रिसर्च क्या कहती है, किस देश से उसकी उत्पत्ति हुई थी, ये सब हमने आपको बताया। इन राज्यों के 10 जिले में अलर्ट है, तमिलनाडु, मदुरई, कांचीपुरम और चेन्नई, राजस्थान के बीकानेर में अलर्ट है, कर्नाटक के मैसूर में है, पंजाब के पटियाला और लुधियाना में है, जम्मू कश्मीर में कहां अलर्ट है, कटरा में है, हरियाणा की बात करिए फरीदाबाद में अलर्ट है, गुजरात के सूरत में और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। ये डेल्टा वेरियंट यहां यहां मिला है, 42 केसेस है और इसीलिए ये दिक्कत है और कंसर्न की बात है। डेल्टा प्लस क्या है, इससे हमें कैसे बचना है, डॉक्टर्स इसको कैसे देखते हैं, इसका उपाय क्या है, डॉक्टर नीलम मोहन है सीनियर कंसल्टेंट मेदांता हॉस्पिटल की। डॉक्टर नीलम, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। थैंक यू जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर नीलम जी? बिल्कुल।
डॉक्टर नीलम, अब सिलसिलेवार तरीके से अल्फा बीटा गामा कहां कहां थे, कौन कौन से वेरिएंट थे, किस किस देश में मिले, कब सीक्वेंसिंग की गई, कब उसका ऐलान हुआ, ये सब हमने समझाने की कोशिश करी। डेल्टा प्लस कंसर्न का कारण है, 42 के ऊपर केसेस आ चुके हैं, 3 मौतें हो चुकी हैं, हम डेल्टा प्लस से कैसे बचें? डॉक्टर नीलम, देखिए अभी तो जब हम वेरिएंट को बताते हैं, आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें कोई नई चीज आ जाती है तो हम कहते हैं ये कोई नई चीज आई है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि ये अभी सब कुछ जगह फैल रही है। दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसमें हमें पता चलता है कि या तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हो या उससे सीवियरिटी ज्यादा बढ़ रही हो या हमारे जो उसके तहत इलाज है, प्रोटेक्शन के इलाज या ट्रीटमेंट के इलाज या वैक्सीनेशन के इलाज, ये उस पर काम नहीं करेगी ठीक से, इसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो जो डेल्टा वेरिएंट है जो पहली बार इंडिया में निकला था और पूरा तहलका मचा दिया था भारत देश में, जो हमारी सेकेंड वेव आई थी, अब वो थर्ड वेव पहुंचा रहा है यूके और यूएसए में क्योंकि ये वहां पे नहीं था। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता रहे हैं क्योंकि ये अब हमें पता है कि जो नॉर्मल अल्फा बीटा वेरिएंट थे उनसे 5 गुना ज्यादा ये स्प्रेड कर रहा था, सीवियर भी हो रहा था और ट्रांसमिसिबल भी हो रहा था। तो आप यूके की थर्ड वेव पूरी देख रहे हैं आप कि डेल्टा से 90% से ज्यादा है। आज ही यूएसए की न्यूज सुनने में आई है जो वहां पे बहुत ज्यादा 40 लाख से ऊपर केसेस हो गए और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उसमें डेल्टा वेरिएंट ही आ रहा है। अभी बाकी का देश ये डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहे हैं जिससे हम बाहर निकल रहे हैं, उतने में ये नया वेरिएंट आता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, क्या ये बहुत ट्रांसमिसिबल है, क्या ये मेरे वैक्सीन से इफेक्ट नहीं लेगा, अभी इसके बारे में पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे आपने बताया अराउंड 50 केस में 4-2 की डेथ, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे आइडिया हो रहा है कि डेथ रेट ऑलमोस्ट 4-5% है जो एक एवरेज डेथ रेट से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको पूरे में कन्वर्ट करूं, अक्लमंदी वही होगी कि हम ये सारे स्टेट्स को हॉट जोन बना दें ताकि उस एरिया जिधर आया वो हॉट जोन करके बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए। मैम, एक चीज समझना चाहूंगा आपसे क्योंकि आप देखिए, अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी देखिए इस वायरस की, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, हम लोग लगभग 8-10 महीने उनसे पीछे चल रहे हैं। आप इस वक्त देखिए यूनाइटेड किंगडम में देखिए डेल्टा प्लस ही वेरिएंट है वहां पर। तो क्या ये माना जाए कि जो थर्ड वेव की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, ये थर्ड वेव यही है डेल्टा वेरिएंट? अभी आपने सही किया लास्ट में कि डेल्टा वेरिएंट, क्या वो डेल्टा है या डेल्टा प्लस है ये बोलना मुश्किल। अभी जो यूएस और यूके में जो थर्ड वेव चल रही है वो डेल्टा वेरिएंट की चल रही है, वहां पर भी विच इज 1617, डेल्टा प्लस इज 1617 .2 के साथ .1 लगा हुआ है, वो वहां पर भी अभी केसेस आने हो रहे और लग रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रहेगी, बट हम डरे हुए और इसको बिल्कुल हॉट जोन बनाना है क्योंकि 90% डेल्टा वेरिएंट चल रहा है यूके में जो उनके पास नहीं था। तो ये देखना चाहिए कि जो चीज नहीं है वही ज्यादा स्प्रेड होती है क्योंकि वायरस अपने आप को बचाने के लिए एक थोड़ी सी म्यूटेट करती है ताकि वो ज्यादा जीवित रह सके और ज्यादा लोगों में फैला सके। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी चीज से जो जहां आपने अपना ये आंसर खत्म किया है, यहीं से एक सवाल और उठता है कि वायरस अपने आप को बदल देता है, अनप्रिडिक्टेबल है, इस पर भी बहस बहुत चल रही है डॉक्टर नीलम, कि जिन्होंने 2 वैक्सीन जो डबली वैक्सीनेटेड हो गए हैं, क्या उस डेल्टा वेरिएंट पर वो 2 डोसेज ऑफ वैक्सीन कोई भी हो, क्या वो कारगर है, क्या कोई स्टडी ऐसी है डॉक्टर साहब? जी, यूएसए से जो अभी कल परसों में आई है उनमें उन्होंने बताया कि जो 10% उनकी डेल्टा
जो आया है वेरिएंट वहां, वो प्रेडोमिनेंटली अनवैक्सीनेटेड लोगों में आया है। तो ये एक अच्छी खबर है, इसका मतलब अनवैक्सीनेटेड ही ये डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड हुआ है, इसका मतलब शायद वैक्सीनेटेड प्रोटेक्टेड है, ये समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यूके में जो डेल्टा वेरिएंट है, उन्होंने भी ये बताया कि ज्यादातर वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में गया है, तो शायद हमारी वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। क्या वो 100% है? ये नहीं है, यूजुअली 70-80% जो प्रोटेक्शन है। और ये भी देखा गया है कि जो वैक्सीनेटेड है उन्हें यूजुअली माइल्ड डिसीज हो रही है। तो 100% हम सबको एक मैसेज हर घरवासी को जाना चाहिए कि शीघ्र ही, जल्दी ही, तुरंत ही अपने आप को वैक्सीनेट करें, और अपने घर में जो कोई भी, चाहे वो आपके वर्कर्स हो, हेल्थ केयर जो भी हो, अगर आपके पास शक्ति है तो सबको उनको प्रोटेक्ट करें और वैक्सीनेट करें, बिकॉज वैक्सीनेशन ही एकमात्र है जो ये कम केसेस होंगे तो ये स्प्रेड कम होगा। स्प्रेड ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी 5 हाई है। तो अगर आपने देखा सेकेंड वेव में, अगर घर में एक को हुआ तो 5 को हुआ, लेकिन फर्स्ट वेव में आपने ऐसे नहीं देखा, इसीलिए थर्ड वेव जो हम सबको मालूम है आएगी, अब वो कितनी ऊपर तक आएगी ये बोलना मुश्किल है, आएगी जरूर सितंबर अक्टूबर। डॉक्टर नीलम, मैं एक मिनट के लिए सिर्फ आपको रोक रहा हूँ, वापस आपके पास आऊंगा, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। रिपोर्टर देवेंद्र भरद्वाज ने फरीदाबाद के एएसआई मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर एके पांडे से डेल्टा प्लस को लेकर खास बातचीत की है, एक बार सुनिए। हरियाणा में भी दस्तक दे दी है और पहला मामला फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में आया है। हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन एके पांडे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, डेल्टा प्लस हरियाणा में आ चुका है, फरीदाबाद में इससे पहला केस है, किस तरह से ये केस आया है, कैसे डिटेक्ट हो पाया ये? देखिए, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये होल जीनोम सिक्वेंसिंग के तहत ही इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग एवरी मंथ जितने भी पॉजिटिव केस डिटेक्ट होते हैं उसका 5% सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव होता है वो सारे केस, फॉरेन रिटर्न कोई भी आता है पॉजिटिव है वो लोग, और जो री इन्फेक्शन है, ये सारे केस को हम लोग एवरी मंथ IGIV दिल्ली में जीन सिक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए। पर ये अनफॉर्चुनेटली ये उसमें से अभी तक कोई पॉजिटिव डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये कैसे ट्रैक हुआ मैं बता दूं, ये एक हम लोगों का DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जीन सिक्वेंसिंग पर ही, जिसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल, LNJP, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इवन हम लोग गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल एंड मेडिसिटी मेदांता एज ए पार्टनर ये रिसर्च प्रोजेक्ट लास्ट एक साल से चला रहे हैं। ये हमने पिछले महीने लगभग 165 लोगों का होल जीनोम सिक्वेंसिंग कराया था, उसी में ये केस का भी, ये पॉजिटिव थे, जैसे नॉर्मल पॉजिटिव आते हैं वैसे ही ये भी थे, कफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी एक, हेडेक के साथ। तो ये अभी जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये हमारे पास IGIV से भी फोन आया कि इसमें एक जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट है। तो ये लेकिन हमें आज जैसे ही ये कल लेटर आया हम लोग उस पर ट्रैकिंग पर लग गए और वो क्लियर जाके वो ट्रैक हो चुका है, ट्रेस आउट किया जा चुका है। पेशेंट अभी हेल्दी है, अभी वो होम आइसोलेशन पर पहले भी थे, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे, बट यस ये कंफर्म है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। ये डिटेक्ट हो चुका है, जिस तरह से आप ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, उस जो पेशेंट है उसके संपर्क में जो आने वाले लोग हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है या उनकी टेस्टिंग शुरू की जा रही है? देखिए, जो प्लस थे पहले से तो कुछ हद तक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन अपने जॉब पर ऑलरेडी थी, और अभी वापस वो लोग जो लोग भी उनके कॉन्टेक्ट में आए होंगे वो अपना काम पर लग चुके हैं और वो ट्रैकिंग का भी काम, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का भी चल रहा है। मुंबई में और महाराष्ट्र में कंसर्न की बात है, डेल्टा प्लस के केसेस बढ़ रहे हैं। अभिषेक की रिपोर्ट देखिए मुंबई से। डेल्टा प्लस का नया रूप जो आया है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि एक दो नहीं, महाराष्ट्र में 21 मरीज डेल्टा प्लस के मिल चुके हैं, जिसमें से
एक जन की मौत हो चुकी, यानी 80 साल की उम्र की महिला की मौत हो गई है। और यह अपने आप में बताता है किस तरीके से जो कोरोना का जो कहर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि तीसरी लहर की बात कही जा रही है कि तीसरी लहर आएगी तो सुनामी जैसी आ सकती है, और इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने डेल्टा प्लस जो नया रूप आया है वायरस का उसको लेकर नई अटबाजी जारी कर दी है ताकि लोग उन नियमों का पालन करें। और इसीलिए मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम ऐसे जिले हैं जिनमें कहा गया है कि लेवल सी में रखा जाए, क्योंकि वहां पर लोग अपनी मनमानी करते हैं, कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है। इसके लिए तमाम नियमों का अलग से पालन किया जाए, अधिक छूट ना दिया जाए। रही बात अगर हम माल की बात करें, मल्टीप्लेक्सेस की बात कर लें, उन सभी को अभी भी बंद किया गया है और लोकल ट्रेनों में लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के जो एफडीए मिनिस्टर हैं राजेंद्र सिंगरे, उनका एक बड़ा बयान आया है कि तीसरी लहर में 50 लाख लोगों को अफेक्ट कर सकता है कोरोना, और उसमें 8 लाख लोगों को एडमिट करने की आवश्यकता होगी। उसमें बच्चे भी शामिल संख्या में हो सकते हैं। उन लोगों के लिए सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में व्यवस्था कर दी गई है। किसी को चिंता की आवश्यकता नहीं है, सरकार लगातार तैयार है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। पहला मामला फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में आया है, उसकी ट्रेसिंग अब की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि उसके संपर्क में आने वाले तमाम लोगों को ट्रेस किया जाए और उनके सैंपल लिए जाएं ताकि वक्त रहते हुए जाँच की जाए। चूँकि जिस तरह से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन AK पांडे कह रहे हैं कि ये 3 गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस है और इससे निपटने के लिए सबसे पहले सावधानी बेहद ज़रूरी है। सरकार की तरफ से अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन खुद लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क पहनना जरूरी है, इसके साथ साथ में भीड़ से बचकर रहना भी बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। देश भर से हमने आपको डेल्टा प्लस के ऊपर अलग अलग राजधानियों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। एक बार फिर वापस चलते हैं डॉक्टर नीलम मोहन के पास, सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता की। मैम, आप केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, अब जो आम आदमी समझना चाहता है, क्या जो लक्षण वेव COVID-1 या COVID-2 वेव 1 वेव 2 जैसे भी आप लीजिए, क्या जो लक्षण थे क्या वही होंगे डेल्टा प्लस या डेल्टा वेरियंट के? पहला। दूसरा, बचना कैसे है हमें? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो ठीक है, बचना कैसे है और लक्षण क्या है डेल्टा प्लस के? जी, पहली बात तो मेरे हिसाब से जो डेटा 26 का जो रिलीज है उसमें 52 केसेस NCDC ने बताया, 52 केसेस का, जिसमें आपने 22 केसेस ऑलमोस्ट महाराष्ट्र का है और उसके बाद नेक्स्ट इज तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश और बाकी के स्टेट्स में कम है। पंजाब है, ये राजस्थान है, हरियाणा। तो इसमें जैसे हमने पिछली बार देखा था डेल्टा वेरिएंट, उसके थोड़े से चिन्ह नॉर्मल से अलग थे, जिसमें हमने GI सिम्टम्स थोड़ा ज्यादा देखा, इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हुए और बच्चों में थोड़ा अलग देखा डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स पहले वेव के करीब अलग से। और ये अब हम जानते हैं कि सेकेंड वेव हमारी अधिकतर मोर देन 40-50% डेल्टा वेरिएंट थी, इसीलिए हमने ये अलग केसेस देखे। क्योंकि अभी हमारे 50 केसेस प्लस हुए हैं, इसमें क्लियरली हमने कोई नए चिन्ह नहीं बताए हैं कि अलग है, ये सिम्टम सेम से ही आ रहे हैं जैसे पहले कोरोना के सिम्टम्स है। और जो अभी तक इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसको क्लियरली ये मैसेज बहुत जरूरी जाना चाहिए कि मास्क जो नाक और मुंह को कवर करे यही आपका हथियार है, और दूर जितना मरीजों से दूसरों से दूर रहेंगे दैट इज वेरी गुड। क्रॉस वेंटिलेशन रहे, कमरा खुला रखे, हमेशा खिड़कियां खुले रखे, AC कॉमन मत रखे कोई एरिया में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैक्सीनेशन से ये अभी तक प्रोटेक्टिव बताया गया है। मैम, वक्त की थोड़ी कमी है, मैम वक्त की थोड़ी कमी, एक छोटा सा सवाल और, क्या डेल्टा वेरिएंट भी RT-PCR टेस्ट में आता है? अगर आप RT-PCR कराएं तो आपको पता चल जाएगा, या कोई और टेस्ट आपको एड ऑन होगा? क्योंकि अभी तक SOPs ना ही WHO की तरफ से ना ही बड़ी संस्थाओं की तरफ से डेल्टा को लेकर आई है। जी, अभी तक वो PCR से डिटेक्ट है, लेकिन वो वेरिएंट जो है वो जीनोमिक से पता चलेगा जैसे डॉक्टर साहब सिविल हॉस्पिटल के बताए। लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है
दैट इज ऑफन पिक्ड अप बाय पीसीआर मेथड ओनली। ठीक है ठीक है, आप हमसे जुड़ी डॉक्टर नीलम मोहन सीनियर कंसल्टेंट मेदांता। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, डेल्टा वेरिएंट पर आपने पूरी जानकारी दी, हमें कैसे बचना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, ये सब कुछ बताया। आप जहां भी हो, अनलॉक हो गया है, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और डेल्टा और कोविड 3 से अपनों और अपने आप को बचाइए। एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।